गुजरात के युवा नेता हैं गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं और एक बड़े तबके को बहुत पसंद भी आते हैं हर्ष संघवी जी बहुत स्वागत है आपका पर जिस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीट्स का प्रोजेक्शन है लग रहा है प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि जो नरेंद्र नहीं कर पाए भूपेंद्र वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे ऐसा संभव होता हुआ लग रहा है देखिए सबसे पहले मैं मेरे गुजरात के लोगों को दो हाथ जोड़ के वंदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार से गुजरात के लोगों ने लोकशाही के ये उत्सव को और खूबसूरत बनाया है गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता जोड़ी नंबर वन के तौर पे उभर आई है आज जब हम रुझान देख रहे हैं इससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि गुजरात की जनता ने गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर एक नया इतिहास मनाने के लिए आगे निकल चुकी है लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है वो बीजेपी की जीत है या फिर आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस को नुकसान मुमकिन है पहुंचाया हो जो कि हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहा है उसकी वजह से आप लोग ऐसे आंकड़े हासिल करते हुए दिख रहे हैं देखिए सबसे पहले तो मैं ये चुनाव में एक नया फॉर्मेट ये वक्त हम सब ने देखा और वो फॉर्मेट था हर रोज नए कागज पे नए आंकड़ों के साथ एक पत्र एक राज्य के मुख्यमंत्री लोगों को लिखते थे और बोलते थे मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि ये हमारा नंबर होगा और कांग्रेस की तो मैं क्या बात करूँ सत्ताईस साल से पिछले सत्ताईस साल से हम लोग इसी प्रकार से चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध है देखिये जी ये ये जो चुनाव था खासतौर पे 2022 का जो चुनाव था ये चुनाव कोई सत्ता के लिए चुनाव नहीं था था और खासतौर पे जिस प्रकार से मैं रुझान देख रहा हूं मैं स्पष्ट यह मान रहा हूं कि गुजरात की जनता ने यह नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी और उनके रिश्ते का लिख लिया है पर हर्ष जी, ये जो गुजरात सरकार ने अब तक का जो कामकाज किया या उसके लिए लोग वोट दे रहे हैं या फिर आपको को लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर यह मैंडेट होगा अगर इस तरह के नतीजे आते हैं देख देखिए मोदी जी हमारे नेता हैं, गुजरात के बेटे हैं और जिस प्रकार से 2002 से गुजरात की जनता ने मोदी जी के साथ में रह के, गुजरात के विकास के विकास लिए संघर्ष और साहस किया है तो गुजरात की जनता और मोदी जी के बीच का जो रिश्ता है वो कायम है वो अटूट है और वही रिश्ता आगे ही आगे बढ़ते जा रहा है आप देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिस प्रकार से गुजरात के गांव-गांव में मोदी जी का रिश्ता है आज उसी तरह से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी जी और भारत के नागरिकों के रिश्ते हैं तो मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नाम के साथ ही विकास जुड़ा हुआ है मोदी जी याने संघर्ष मोदी जी या साहस मोदी जी आने ये देश के हर एक नागरिकों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत्र है मोदी जी यानी विकास का दूसरा नाम है तो मोदी यानी विकास और विकास यानी मोदी हमारा चुनाव का नारा है विकास तो विकास के साथ मोदी जी तो जुड़े जाएंगे और मोदी जी के नाम पे वोट मतलब विकास के नाम पे वोट है तो विकास ही हमारी चुनाव का नारा है और मोदी जी हमारे नेता है मोदी जी और गुजरात के नागरिकों का एक अलग ही प्रकार का रिश्ता है वो रिश्ता का रिफ्लेक्शन आज रुझान के रूप में हम सब देख सकते हैं रिश्ता प्रधानमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री वो रहे नहीं है अब गुजरात के गुजरात के मुख्यमंत्री कोई और हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोग पर इस लिहाज से भी आ जाती है कि 27 साल का रिश्ता कुछ कम नहीं होता है और अब अगर पांच साल का और कार्यकाल बढ़ता है तो उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं आपके लिए उस एक लंबे शासन के लिए यहां पर पांच पांच साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है सी आपने जरूर से ये सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड और हम लोग तो रिश्तों में मानने वाले लोग हैं हम राजनीति के लिए या सत्ता के लिए राज्य में काम नहीं करते भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे लोगों की सेवा में पांच साल के लिए काम करता है तभी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच में ये रिश्ता है ये संबंध है और ये विश्वास है तो ये विश्वास और संबंध को 27 से 32 साल होंगे और अ, मेरे ख्याल से ये देश में सबसे बड़ा इतिहास होगा और ये इतिहास कोई छोटे आंकड़ों के साथ इतिहास बनाने नहीं जा रहे हम लोग एक बहुत ही बड़े आंकड़ों के साथ हम ये इतिहास बनाने के लिए आगे निकल चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया हर्षांघवी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए जाहिर है कि एग्जिट पोल के नतीजे पक्ष में आए हैं अभी से आठ संघ भी यही दम भर रहे हैं कि ये नतीजे एक कीर्तिमान रचने वाले नतीजे में जरूर तब्दील होंगे